Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a topic which is common to all who are dealing with higher education as well as research. So it is a topic of common interest to all of you. So let's start this topic. हायर एजुकेशन एवं एंड रिसर्च मतलब उच्च शिक्षा एवं शोध पर बात की जा रही है. तो उच्च शिक्षा क्या है? हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन कंप्राइजेज ऑल पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च गाइडेंस एट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज दैट आर ऑथराइज्ड एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन बाय स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज. मतलब कि पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा के बाद आप जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हायर एजुकेशन के अंतर्गत आती है. इसमें जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो आपको प्रशिक्षण देती हैं, आपसे अनुसंधान करवाती हैं, और इसमें यूनिवर्सिटीज आती हैं जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में ऑथराइज्ड हैं. उनको अथॉरिटी मिली हुई है किससे? स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटी से. फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव थ्री फंक्शंस इन टोटल. ये हम सबको ध्यान देने की जरूरत है. हम उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि उच्च शिक्षा के कौन से कार्य हैं, क्यों हम उच्च शिक्षा में हैं, अगर हैं तो हमको उन कार्यों को परिपूर्ण करना चाहिए इन एडिशन टू एजुकेशन. मतलब एजुकेशन तो है ही, शिक्षा देना तो काम है ही हायर एजुकेशन का. शिक्षा देने के अलावा कौन से दो महत्वपूर्ण काम है उसके? पहला है रिसर्च और दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर आप उच्च शिक्षा में हैं तो आप शोध कर या करा रहे हैं और आप समाज को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ये मेन पर्पज है हायर एजुकेशन का. द रिसर्च एंड एजुकेशन फंक्शन आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. जो शोध है और जो शिक्षा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. Research makes a higher level of education possible and education in turn develops the human resources to do research. मतलब जो research है, जो अनुसंधान है, वो ये मतलब possible करता है, संभव बनाता है कि हम एक अच्छी शिक्षा आपको दे पाए, और अच्छी शिक्षा हमको वो human resource देती है जो अच्छी research कर पाए या करा पाए, है ना? तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव एक्टिविटीज टू एंश्योर दैट एक्युमुलेटेड नॉलेज इज सर्कुलेटेड डायरेक्टली बैक टू सोसाइटी एंड दैट दे डू नॉट बिकम आइवरी टावर्स. वो कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान जो हैं हमारे उच्च शिक्षा के, वो ये जरूरी है, उनको ये इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ज्ञान वहां संचित हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, वो जरूर समाज को वापस जाए. यानी कि समाज को पता चले कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, और उनको आइवरी टावर की तरह से नहीं रहना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं दूरस्थ कोई ऊंचा टावर जिसके बारे में किसी को कोई कुछ पता नहीं है, कुछ उनका समाज से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एजुकेशन, रिसर्च और contribution to society, ये तीन मुख्य काम higher education के हैं. फिर higher education का mission क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, क्या हासिल करना चाहता है higher education? ये higher education contributes to social and economic development through at least four major missions. कह रहा है कि चार मुख्य उसके mission हैं जिनके तहत, जिनके द्वारा, जिनके बाद, जिनको करते हुए हायर एजुकेशन जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है सोसाइटी को. कैसे? द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल यानी थ्रू टीचिंग, यानी शिक्षण के द्वारा हम ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहते हैं, बढ़िया ह्यूमन कैपिटल. ये तीन पढ़ लेते हैं. रिसर्च वाला लास्ट में, डिसेमिनेशन एंड यूज ऑफ नॉलेज. हम नॉलेज को यूज करना चाहते हैं और नॉलेज का प्रसार करना चाहते हैं. मतलब ज्ञान को उपयोग भी कीजिए, ज्ञान का प्रसार भी कीजिए. कैसे? बाय इंटरैक्टिंग विद द यूजर्स ऑफ नॉलेज. जो ज्ञान को यूज कर रहे हैं उनके आपस में अंतः संबंध से ये हो सकता है, अंतः क्रिया से ये हो सकता है. और मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज, और हम नॉलेज को मेंटेन भी रखें. कैसे? इंटरजेनरेशनल स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के थ्रू. मतलब हम पीढ़ियों, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सुरक्षित रखें, उसको ट्रांसमिट करते रहें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी. और जो जिससे हमको इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस बातचीत में लेना देना है, वो काम क्या है? बिल्डिंग नॉलेज बेस, यानी ज्ञान का आधार, नॉलेज बेस हमको तैयार करना है. ये हायर एजुकेशन का मिशन है. और ये होगा कैसे? रिसर्च और नॉलेज डेवलपमेंट के द्वारा, और इसी से हमारा लेना देना है. अनुसंधान और ज्ञान के विकास के द्वारा नॉलेज बेस का बिल्डिंग, नॉलेज बेस को बनाना हायर एजुकेशन का मिशन है. तो अनुसंधान क्या होता है? हम सब लोगों ने इस शब्द को सुना है, जानते हैं इसके बारे में कि द फिलॉसफी अंडरलाइंग द ह्यूमन लर्निंग इज द मोर वी नो वी गेट टू नो व्हाट वी स्टिल डू नॉट नो. यानी कि मनुष्य जो के जो सीखने के पीछे जो मुख्य दर्शन है वो क्या है कि जितना ज्यादा हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं जानते.
मतलब जितना ज्यादा आप ज्ञान के समुद्र में घुसते जाएंगे, आप जितना डीपर उसमें इनसाइट जाएंगे, उतना आपको पता चलेगा कि कितना विस्तार है, अनंत विस्तार है, और हम उसका अति सूक्ष्म भी नहीं जानते। तो रिसर्च इज नथिंग बट क्यूरियोसिटी ड्रिवन परस्यूट ऑफ द अननोन। तो अनुसंधान कुछ और नहीं है बल्कि ये क्यूरियोसिटी है, ये आपकी जागृत अवस्था है, ये आपकी उत्कंठा है कि आप जान सकें वो जो आप जानते नहीं हैं। सेंचुरीज एगो एरिस्टोटल सेड, मतलब कि अरस्तु ने भी सदियों पूर्व कहा था कि द मोर यू नो द मोर यू नो यू डोंट नो। वही बात कि जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ज्यादा आप इस सच के समीप पहुंचते हैं कि आप नहीं जानते हैं। लाइकवाइज अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। जितना ज्यादा मैं सीखता जाता हूँ उतना ज्यादा मुझे पता चलता है कि कितना कुछ और मुझे जानना बाकी है, मतलब कितना कुछ और मैं नहीं जानता हूँ, ये आइंस्टाइन का कथन है। तो हमको समझ में आ गया कि रिसर्च का मतलब है कि हमको जो अननोन है उसको नोन बनाना है। The word research indicates that we are researching. सबको पता है, बार बार आप कोई भी अनुसंधान की किताब उठा के पढ़िए वो यही कहता है, इसका आप संधि विच्छेद कीजिए तो आपको research मिलेगा, मतलब आपको बार बार सर्च करना है ना। तो researching a phenomena that in reality already exists and operates in nature or in the universe but whose underlying principles, mechanisms or other qualities have so far remained elusive to us. मतलब समझ में आया कि एक रियालिटी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमने उसको कहीं से ढूंढ के नहीं, मतलब कहीं से हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, वो रियलिटी है, नेचर में है, यूनिवर्स में है, लेकिन उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, जो उसका पीछे सिद्धांत है, जो कार्य प्रणाली है, जो और गुण है जिनके बारे में हमको नहीं पता है, उसको हम रिसर्च में खोजते हैं। रिसर्च मतलब हमको पुनः 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 खोजना है, कोई किसी एंगल से खोजता है, कोई किसी एंगल से खोजता है। तो रिसर्च इज एन अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म दीज अननोन इनटू नोन एंड टू डीमिस्टिफाई द मिस्ट्री एसोसिएटेड विद द फिनोमेना। और अनुसंधान जो है वो एक प्रयास है कि ये जो मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं उसको जानने वाला बना सके, और जो मिस्ट्री है, जो किसी भी घटना के पीछे जो मिस्ट्री छुपी हुई है, जो हमको रहस्य है, जो हम नहीं जानते, उसको हम रहस्य उद्घाटन उसका कर सकें, यही रिसर्च है। फिर अगर डेफिनेशन के थ्रू जानना चाहें तो फ्रांसिस र्यूमल ने इसको डिफाइन किया है कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन और रिलेशनशिप्स एंड टू एक्सपेंड एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, मतलब क्या खास बात है, सिस्टमैटिक है, आप सिस्टम से चलेंगे रिसर्च में, हैफजर्ड भागेंगे नहीं इधर उधर, केयरफुल सावधानी पूर्वक करेंगे, क्या करेंगे, इंक्वायरी खोज करेंगे या एग्जामिनेशन एग्जामिन करेंगे। क्या इसलिए हम खोज पाए नई सूचना, नए अंतर संबंध और एक्सपेंड कर पाए, बढ़ा पाए या वेरीफाई कर पाए, जो सच मतलब नॉलेज पहले से एग्जिस्ट है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये सच है, या जो नॉलेज बेस है उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, यही अनुसंधान है। जॉन बेस्ट की किताब सभी लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। जॉन बेस्ट में क्या है कि रिसर्च इज मोर सिस्टमेटिक एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कह रहे हैं कि अनुसंधान जो है वो एक सिस्टमेटिक काम है, और किसकी तरफ डायरेक्शन है उसका, वो किधर निर्देशित है, उसका पूरा अटेंशन किधर है कि हम खोज पाएं और जो ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके डेवलपमेंट में विकास दे पाए, उसमें सहयोग दे पाए। मार्टिन शटलवर्थ कहते हैं, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड एनी गैदरिंग ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं कि अनुसंधान को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ये कोई भी आंकड़ों का संग्रहण है, इन्फॉर्मेशन का संग्रहण है, जिसमें आप एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज करते हैं, मतलब ज्ञान के विस्तार को बढ़ाते हैं, एडवांस करते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि रिसर्च कंप्राइजेस क्रिएटिव वर्क, यानी कि आप कुछ क्रिएटिव करेंगे रिसर्च में, अंडरटेकन ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस, यानी आप सिस्टमैटिकली चलेंगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। क्यों कर रहे हैं ये सब, ताकि जो ज्ञान का भंडार है उसको हम बढ़ा सकें, इंक्लूडिंग इसमें किसका किसका ज्ञान आ जाएगा, मनुष्य से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, समाज से संबंधित, एंड द यूज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस। और ये जो आपने ज्ञान का विस्तार में बढ़ोतरी की है उसका उपयोग आप कहाँ करेंगे, कुछ नए अनुप्रयोगों को करने में। ओके, अब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसको कहेंगे अनुसंधान, या अनुसंधान की क्या विशेषता होनी चाहिए, कैसे आप चेक करेंगे कि आपका अनुसंधान सही है। ये रिगरस होना चाहिए, थॉरो स्टडी, डीप स्टडी, ये नहीं कि बस गए सर्फेस लेवल पर छूते हुए बाहर निकल आए और रिसर्च हो गई, नो दिस इज नॉट रिसर्च। सिस्टमैटिक, जरूर आप सिस्टम से चलेंगे, वैलिड एंड वेरीफाइबल, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस कर रहे हैं, तो जरूर वैलिड होनी चाहिए और उसको कोई और रिसर्चर वेरीफाई कर सके, ऐसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता है। इंपीरिकल होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, रिसर्च में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके, देन
रिसर्च के फंक्शंस क्या काम है, रिसर्च का अनुसंधान के कार्य क्या है, तो प्रोड्यूसेस न्यू नॉलेज, इतना हमको पता चल गया अभी तक, हमको नया ज्ञान उत्पन्न करना है। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्चर इंटेलेक्चुअली एंड प्रोफेशनली, देखिए हम इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं रिसर्च करने के बाद, बुद्धि बौद्धिक दृष्टि से हमारा विकास होता है, और प्रोफेशनली ग्रो करते हैं, मतलब रिसर्च पूरा हो जाने के बाद हम डॉक्टर लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, तो प्रोफेशनली भी हमारा डेवलपमेंट हो गया। फिर लीड्स टू बेटर टीचिंग एज न्यू नॉलेज इज इंटीग्रेटेड इन टू टीचिंग प्रोग्राम, जितनी रिसर्चर्स होती रहती हैं अंततो गत्वा वो बाद में आपके सिलेबस में जुड़ती रहती है, इसका मतलब आपकी टीचिंग इनहेंस होती रहती है, टीचिंग प्रोग्राम में अच्छा होता रहता है। डिस्कवरी लर्निंग हुई, आपने पता चल गया इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, इंक्वायरी लर्निंग के बारे में पता चला ऐसे पढ़ा सकते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पता चला आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया, तो जैसे जैसे रिसर्चेस होती जाती हैं वैसे वैसे टीचिंग प्रोग्राम में वो इंक्लूड होता जाता है। कैन बी ए सोर्स ऑफ इनकम, इससे आप इनकम भी कर सकते हैं, कैसे, जो फंडेड रिसर्चेस होती हैं ग्रांट्स मिलती है वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, इससे समाज की उन्नति हो सकती है, प्रेस्टीज टू द पर्सन, आपको प्रेस्टीज मिलती है, और इनेबल्स फाइंडिंग ऑफ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स एंड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, यानी कि इनके जो सोल्यूशन मिलते हैं इन प्रॉब्लम से, मतलब कि रिसर्च से आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं और समाज के कई द्वंद्व भी इससे दूर किए जा सकते हैं। फिर NEP 2020 को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई नई जिसको अभी तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो NEP 2020 ऑन रिसर्च, इन्होंने क्या कहा रिसर्च, ये कह रहे हैं कि हेडिंग ही यही है, कैटेलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू अ न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF की बात कर रहे हैं, कि हम जो एकेडमिक रिसर्च है उसको कैटेलाइज करेंगे, कैटेलाइज का क्या मतलब होता है कि उत्प्रेरक की तरह काम करें ताकि बहुत अच्छे से हो जाए, बढ़ जाए, उसकी गति बढ़ जाए ऑल फील्ड्स में, सभी क्षेत्रों में। किसके द्वारा करेंगे, NRF की, एक NRF हम बनाएंगे, तो उसका क्या है कि नॉलेज क्रिएशन एंड रिसर्च आर क्रिटिकल इन ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ए लार्ज एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी, अपलिफ्टिंग सोसाइटी एंड कंटिन्यूअसली इंस्पायरिंग अ नेशन टू अचीव इवन ग्रेटर हाइट। इन्होंने क्यों बनाया इसको, कि हम नॉलेज को क्रिएट कर पाए, रिसर्च को बढ़िया कर पाए, और हम एक लार्ज और वाइब्रेंट इकोनॉमी बना पाए। क्यों क्यों नॉलेज को इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि अब नॉलेज ही इकोनॉमी है। क्या होगा कि अपलिफ्टिंग सोसाइटी एंड कंटिन्यूअसली एस्पायरिंग अ नेशन टू अचीव इवन ग्रेटर हाइट्स, ताकि हम समाज का उत्थान कर सकें और लगातार ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकें जो उच्चतम अपने स्तर पर जा रहा हो। और दिस पॉलिसी इनविजन्स, मतलब NEP 2020 ने दूर दृष्टि से देखा है कि हम ट्रांसफॉर्मिंग द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया। देखिए क्वान्टिटी तो बढ़ गई है हमारे यहाँ रिसर्च की, पर क्वालिटी गिर गई है, तो हमको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग अ रिसर्च माइंडसेट इन कंट्री, देश में एक अनुसंधान के लिए माइंडसेट बनाना चाहते हैं वो, बिल्ड ऑन वेरियस एलिमेंट्स इन ए सिनर्जिस्टिक मैनर, जितने भी इसके तत्व इन्वॉल्व हैं उनको आप एक तरफ लेके चलिए, मतलब ये नहीं कि कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है सब आपस में क्लैश हो जा रहा है, सिनर्जिस्टिक मैनर, सबका अप्रोच उसी तरफ हो, किस तरफ, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ रिसर्च and to thereby truly grow and catalyze quality research in the nation, this policy envisions the establishment of a NRF. तो ये चाहती है, ये policy ने सोचा है, देखा है कि हम एक NRF बनाएंगे और उससे हम quality research को catalyze करेंगे। तो NRF है क्या, ये क्या करेगा, fund करेगा, funding देगा किसको, competitive peer reviewed grant proposals of all types and across all disciplines, यानी ये नहीं sciences को देगा, social sciences को नहीं देगा, humanities को नहीं देगा, नहीं, सबको देगा अगर आप बढ़िया रिसर्च करना चाहते हैं तो। सीड ग्रो एंड फैसिलिटेट रिसर्च एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वेयर रिसर्च इज करेंटली इन ए नेसेंट स्टेज थ्रू मेंटरिंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस, जो इन्फेंट स्टेजेस में हैं, जो नेसेंट स्टेजेस में इंस्टीट्यूशन है, जहाँ भी नई नई रिसर्चेस शुरू हुई हैं वहाँ पे, मतलब जैसे बीज बोना, उसको बड़ा करना, उसको फैसिलिटेट करना रिसर्च का, ये काम NRF का होगा, और ये एक लाइजन, एक लिंकेज की तरह काम करेगा, किसके किसके बीच में, रिसर्चर्स एंड रेलिवेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्री, मतलब वो जो रिसर्च अगर किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की किसी रेलेवेंट ब्रांच से रिलेटेड है, तो रिसर्चर्स और उनके बीच में कोलैबोरेशन कराएगा, लिंकेज कराएगा, सो दैट रिसर्च स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली मेड अवेयर ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नेशनल रिसर्च इश्यूज। हम लोग जब रिसर्च करने कराने जाते हैं तो सबसे ज्वलंत प्रश्न होता है किस टॉपिक पे करें, ऐसा लगता है जैसे समाज से समस्याएं ही खत्म हो गई। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन से अर्जेंट नेशनल रिसर्च इश्यूज हैं, उस पे करिए, तो पॉलिसी मेकर्स आर कॉन्स्टेंटली मेड अवेयर ऑफ लेटेस्ट रिसर्च ब्रेक थ्रू सो एज टू अलाउ ब्रेक थ्रू टू बी ऑप्टिमली ब्रॉट इनटू पॉलिसी और एंड और इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पॉलिसी मेकर्स और उनके बीच में लिंकेज हो रिसर्चर्स के बीच में, ताकि पॉलिसी मेकर्स बता पाएं कि ये नेशनल इश्यूज अर्जेंट हैं, उन पर आप रिसर्च कीजिए तो आपको ग्रांट भी मिल जाएगी, और रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड प्रोग्रेस, किसी ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, कुछ अच्छा काम किया है, तो उसको रिकॉग्निशन देना भी NRF का काम होगा। ओके, यू गॉट इट, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, व्हाट NEP 2020
2020 has envisioned into the outcome, into the future of research of higher education in India. Okay, so I have completed a topic that is relevant to all of us. So go through it, learn it, and happy learning to all of you. And thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from my side.